morning, children. How are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your computer teacher. My name is Swati Jaiswal. Today, I am going to teach a computer subject. In computer subject, I will teach first lesson. आज मैं आप लोग को computer subject का first lesson पढ़ाऊंगी. Okay, children? मैं आप लोग की मैथ्स की भी टीचर हूँ, मैं आप लोग की कंप्यूटर की भी टीचर हूँ. ओके चिल्ड्रन, आज मैं आप लोग को कंप्यूटर सब्जेक्ट में से कौन सा लेसन पढ़ाऊंगी, लेसन वन. सो ओपन योर बुक चिल्ड्रन. सो सारे चिल्ड्रन आप लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करके मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए. ओके चिल्ड्रन, आप लोग की बुक मार्केट में अवेलेबल हो गई है. सारे चिल्ड्रन आप लोग क्या करेंगे, बुक को परचेस कर लेंगे जिससे कि आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट पीछे ना हो पाए. ओके चिल्ड्रन, जिससे कि आप लोग की पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आप लोग सारे चिल्ड्रन बुक्स परचेस कर लीजिए अपने मम्मी और पापा से कह के, जो कि मार्केट में अवेलेबल है. ओके चिल्ड्रन, चलिए चिल्ड्रन आप लोग सब लोग अपनी बुक को ओपन करिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए और इस लेसन को समझना स्टार्ट करिए. ओके चिल्ड्रन, आप लोग की बुक का नेम है साइबर हब विंडोज 7 एंड एमएस ऑफिस 2010 क्लास फर्स्ट. आप लोग की बुक का फ्रंट पेज ये है, आप लोग के कंप्यूटर की यही बुक चलेगी. ओके चिल्ड्रन, चलिए आप लोग फर्स्ट लेसन को ओपन करिए. आप लोग के फर्स्ट लेसन का नेम है कंप्यूटर अ वंडर मशीन. आप लोग के फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है चिल्ड्रन, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन कंप्यूटर अ वंडर मशीन. कंप्यूटर क्या है, एक वंडर मशीन है. मशीन का मतलब तो आप लोग समझते हैं क्या होता है, मशीन का मतलब होता है जो भी चीज हम लोग हाथों से ना करके मशीन से करते हैं. जैसे कि क्या हो जाएगा, कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फैन, स्कूटर, बाइक, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मशीन है. समझ में आया, जो चीजें हम लोग हाथ से नहीं करते हैं, जो चीजें मशीन करती है जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, वो सारी चीजें क्या होती है, मशीन होती है. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लेसन का नेम है कंप्यूटर अ वंडर मशीन. ओके चिल्ड्रन, कंप्यूटर क्या है, हमारा एक वंडर मशीन है. समझ में आया, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन द चैप्टर व्हाट आर मशीन, इस चैप्टर में क्या दिया है कि मशीन क्या है. कंप्यूटर अ वंडर मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक वंडर मशीन है. चलिए पढ़ते हैं आगे. हेलो चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेलो चिल्ड्रन आप लोग ये पिक्चर्स को देखिए, आप लोग ये पिक्चर्स को देखिए. यहाँ पे क्या क्या बना है, कार, रेफ्रिजरेटर और क्लॉक. ये क्या बना है, कार, रेफ्रिजरेटर और क्लॉक, ये क्या है, मशीन है. आगे पढ़ते हैं. डू यू नो व्हाट दीज आर, आप क्या जानते हैं ये सब क्या है. आप लोग तो जानते हैं कार क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है और क्लॉक क्या होता है. सारे बच्चों के घरों में ये सारी चीजें होंगी, कार भी होगा और रेफ्रिजरेटर भी होगा और क्लॉक भी होगा, तो सब क्या है, मशीन्स है. दीज ऑल आर मशीन्स, ये क्या है चिल्ड्रन, ये मशीन्स है. बट डू यू नो व्हाट मशीन्स आर, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी मशीन है. चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं ये कौन सी मशीन्स है. अब नीचे दिया है व्हाट आर मशीन्स, मशीन्स क्या है. फर्स्ट पे राइट है मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय मैन. यहाँ पे क्या दे रहा है, मशीन्स ऐसी चीज है जो कौन बनाया है, जिसको मैन ने बनाया, मतलब इंसानों ने मशीन को बनाया है. जैसे हमने, आपने, ये सब क्या है, इंसान है. इंसानों ने ही मशीन्स को बनाया है जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्या, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्लॉक हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मशीन्स है. ओके चिल्ड्रन, जिसको किसने बनाया है, मैन ने बनाया है. समझ में आया, मतलब इंसानों ने बनाया है. सेकंड पे राइट है वी यूज अ लॉट ऑफ मशीन्स फॉर अवर डेली वर्क. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग बहुत सी मशीन्स क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कौन कौन सी मशीन हम लोग अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट है क्लॉक, क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी. बिना घड़ी के हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना घड़ी के हम लोग टाइम देख सकते हैं, तो वो क्या है, एक मशीन है. सेकंड क्या है आप लोग की, बाइक, बाइक भी क्या है, एक मशीन है. समझ में आया. वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं. थर्ड में है दे मेक अवर लाइफ इजी, मशीन्स हमारे लाइफ को क्या कर देती हैं,
सरल बना देती हैं, जिससे कि हम लोग का काम क्या हो जाता है, करने में और इजी हो जाता है। समझ में आया आप तो कुछ चिल्ड्रन? फोर्थ पे राइट है, दे हेल्प अस वर्क फास्टर एंड सेव टाइम। मशीन्स हमारे वर्क को क्या कर देती हैं, तेजी से कर देती हैं और हमारे टाइम को क्या कर देती हैं, बचा देती हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग या आप लोग कभी भी अगर वॉक करके जाएंगे, चल के कहीं जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर वही कार से या बाइक से जाएंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग की मशीन्स हैं और मशीन्स हमारे वॉक को क्या कर देती हैं, इजी कर देती हैं और हमारे टाइम को बचा भी देती हैं, जैसे कि आप लोग की बुक में राइट है। ओके चिल्ड्रन, फिर नीचे राइट है, सम कॉमन मशीन्स आर टीवी, वॉच, फैन, बाइसाइकिल एंड वॉशिंग मशीन्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये सारी कॉमन मशीन्स है जो कि हम लोग अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं, अपने घरों में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग अपने पेज को टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज में आप लोग का ये है, देख रहे हैं ना आप लोग, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, थिंक एंड इंक। यहाँ पे आप लोग को थिंक मतलब सोचना है, फिर उसके बाद उसको फिल करना है। सी द फॉलोइंग इमेजेस केयरफुली, राइट एम फॉर अ मशीन एंड एन फॉर अ नॉन मशीन। यहाँ पे क्या करना है, मशीन में एम राइट करना है और जो मशीन नहीं है उसमें एन राइट करना है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट में आप लोग का दिया है जूसर मिक्सर, ये क्या है, मशीन है कि नॉन मशीन है? वेरी गुड, ये मशीन है तो यहाँ पे एम राइट करेंगे। सेकेंड है आप लोग की बुक, यहाँ पे क्या दिया है, बुक्स और कॉपीज दी है। अब आप लोग ये बताइए कि ये नॉन मशीन है कि मशीन है? वेरी गुड, ये नॉन मशीन है तो यहाँ पे एन राइट करेंगे। थर्ड है फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब क्या होते हैं, फलों। अब आप लोग बताइए चिल्ड्रन, ये मशीन है कि नॉन मशीन है? वेरी गुड, ये नॉन मशीन है। फोर्थ है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है, मशीन है कि नॉन मशीन है? वेरी गुड, मशीन है तो यहाँ पे एम राइट करेंगे। समझ में आया, ये बुक को आप लोग को अपने से फिल करना है, जैसे कि मैंने भी आप लोग को समझाया है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मशीन को एनर्जी मतलब हम लोग की ताकत की जरूरत होती है काम करने के लिए। कौन कौन सी ऐसी मशीन्स होती हैं जिसको हम लोग की ताकत की जरूरत होती है काम करने के लिए, चलिए पढ़ते हैं। सम मशीन्स लाइक सीजर्स, बाइसाइकल्स एंड एक्स वर्क ऑन मैन पावर। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो मैन पावर के द्वारा चलती है, जैसे कि हम लोग जिसको चलाते हैं। कौन कौन सी मशीन्स है, सीजर, सीजर्स मतलब क्या होता है, कैची। कैची को जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक वो नहीं चलेगी। सेकेंड है एक्स, एक्स मतलब होती है कुल्हाड़ी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो एक्स को क्या करते हैं, मैन पावर द्वारा यूज की जाती है, मतलब हम लोग अगर एक्स को चलाएंगे तब ही एक्स यूज होगा। थर्ड है बाइसाइकिल, बाइसाइकिल को हम लोग क्या करते हैं, पैंडल मार के चलाते हैं, मतलब अपने पैरों से चलाते हैं, इसको बोला जाता है मैन पावर, मतलब हम लोग के द्वारा चलाई गई हुई चीजों को ही बोला जाता है मैन पावर मशीन्स, जैसे कि आप लोग की बुक में यहाँ पे दी गई हुई है। सीजर्स, एक्स और बाइसाइकिल, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन पावर से चलने वाली मशीन्स है। ओके चिल्ड्रेन, ओके चिल्ड्रेन, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़िए। नेक्स्ट पेज पे है आप लोग का सम मशीन्स लाइक बस, एरोप्लेन एंड शिप नीडेड फ्यूल टू रन। कुछ कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो किससे चलती हैं, फ्यूल से मतलब ईंधन से चलती हैं, जिसमें पेट्रोल और फ्यूल डलता है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए, कौन कौन सी मशीन्स हैं यहाँ पे आप लोग देखिए। फर्स्ट है बस, सेकेंड है एरोप्लेन, थर्ड है शिप। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें क्या है, फ्यूल से चलती है। समझ में आया, जैसे कि बस हम लोग की किससे चलती है, फ्यूल से चलती है। एरोप्लेन किससे चलती है, फ्यूल से चलती है। शिप हम लोग की किससे चलती है, फ्यूल से चलती है। समझ में आया आप लोग को, जब आप लोग के पापा या मम्मी बाइक या स्कूटर या कार चलाते हैं, उसमें पेट्रोल या फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कहाँ जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, वहां पे सारी चीजें क्या होती है, फिल कराई जाती है, चाहे बस में हो, चाहे कार में हो, चाहे जिस चीज में हो, उसको फिल करने के बाद उसको यूज करते हैं। ये सारी चीजें किससे चलती है चिल्ड्रन, फ्यूल से चलती है। समझ में आया। सम मशीन्स लाइक टीवी, गीजर एंड टोस्टर वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ मशीन्स जो होती है चिल्ड्रन, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलती है। वो कौन कौन सी मशीन है, चलिए आप लोग अपने बुक में देखिए।
जैसे कि टीवी, गीजर और टोस्टर। तो ये सारी मशीन किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। समझ में आया? मतलब बिजली से चलती है। मैंने आप लोग को 3 टाइप्स के मशीन्स बताए हैं। फर्स्ट मशीन किससे चलते हैं? मैन पावर से, मतलब हम लोग द्वारा चलाई गई हुई मशीन्स को क्या बोलते हैं? मैन पावर मशीन। सेकेंड मशीन मैंने आप लोग को क्या बताई है? फ्यूल मशीन्स बताई हैं, जो किससे चलती हैं? फ्यूल से और पेट्रोल से चलती हैं, जैसे कि बस, एरोप्लेन और शिप। थर्ड मशीन मैंने आप लोग को कौन सी बताई है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स को बताया है, जैसे कि क्या हो गया? टेलीविजन हो गया, गीजर हो गया और टोस्टर हो गया। समझ में आया? 3 टाइप्स की मैंने मशीन्स आप लोग को बताई है। पेज को टर्न करिए चिल्ड्रेन। पेज को टर्न करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज आएगी, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज आप लोग को अपने बुक में ही फिल करनी है। समझ में आया? थिंक एंड इंक, सोचना है और बताना है और फिल करना है। चलिए फिल करते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग इमेजेस विद द सूटेबल कैटेगरी। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। अब इस नेम को इस पिक्चर से क्या करना है? मैच करना है। समझ में आया? चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट है रन्स ऑन फ्यूल। अब आप लोग बताइए ऐसी कौन सी मशीन है जो फ्यूल से रन मतलब चलती है। यहाँ पे जूसर दिया है, रिक्शा दिया है, बस दिया है, स्कूटर दिया है, आयरन दिया है और एक्स दिया है। तो आप लोग बताइए कि फ्यूल से कौन सी मशीन चलती है। वेरी गुड, फ्यूल से मशीन चलती है बस और स्कूटर। तो आप लोग पहले वाले को क्या करेंगे? पहले वाले को बस और स्कूटर से मैच कर देंगे, या फिर यहाँ पे आप लोग सी और डी राइट कर लेंगे। ओके चिल्ड्रेन, सेकेंड में राइट है रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग बताइए ऐसी कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलती है। तो यहाँ पे जूसर दिया है, रिक्शा दिया है, आयरन दिया है, एक्स दिया है। तो आप बताइए कौन कौन सी मशीन किससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। फर्स्ट मशीन हो गई जूसर मिक्सर, सेकेंड मशीन हो गई आयरन। तो क्या करेंगे आप लोग? आयरन और जूसर मिक्सर से उसको मैच कर दीजिए, या फिर उसमें ई और ए राइट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया है ई और ए। थर्ड है रन्स ऑन मैन पावर। अब ऐसी कौन सी मशीन है जो इंसान के द्वारा चलाई जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे रिक्शा, फिर सेकंड है यहाँ पे एक्स। तो क्या करते हैं आप लोग? एक्स और रिक्शा को हम लोग अपने से चलाते हैं। रिक्शा भी हम लोग पैर से पैंडल मार के चलाते हैं और एक्स को भी हम लोग हाथ से यूज करते हैं, मतलब हाथ से चलाते हैं। तो क्या करेंगे? उसमें बी और एफ मेंशन कर लेंगे, मतलब राइट कर लेंगे, या फिर उसको उससे मैच कर देंगे। आई थिंक ये एक्टिविटी आप लोग को, ये एक्सरसाइज आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे पेज टर्न करिए। नेक्स्ट पेज पे राइट है चिल्ड्रन आप लोग का कंप्यूटर अ वंडर मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक जादुई मशीन है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय वर्ल्ड। मैं अपने बारे में आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ अपने द्वारा। आई एम अ मशीन, मैं एक मशीन हूँ। कौन बोल रहा है? कंप्यूटर बोल रहा है मैं एक मशीन हूँ। आई नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, मतलब जब तक आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक आप लोग कंप्यूटर नहीं यूज कर पाएंगे। आई मेक थिंग इजी फॉर यू। मैं क्या कर देता हूँ? मैं आप लोग के कामों को इजी कर देता हूँ और क्या करता हूँ? आप लोग के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। कौन बोल रहा है? कंप्यूटर बोल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्यूटर बना हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे देखिए क्या बना है? मॉनिटर बना है, सिस्टम यूनिट बना है और उसके ऊपर कुछ चीजें राइट है। उसको पढ़ते हैं कि क्या राइट है। फर्स्ट बैलून में राइट है आई वर्क वेरी फास्ट, मैं सारे कामों को बहुत तेज करता हूँ। सेकेंड बैलून में राइट है आई कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर क्या करता है? एक समय पे ढेर सारी चीजें कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंसान में और मशीन्स में बहुत फर्क होता है। थर्ड बैलून में राइट है आई कैन डू डिफरेंट टास्क, मैं ढेर सारे टास्क को कर सकता हूँ। फोर्थ बैलून में लिखा आई नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी थकता नहीं हूँ। फिफ्थ बैलून पे राइट है आई नेवर मेक मिस्टेक, मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? ये सारी चीजें कंप्यूटर बोल रहा है कि वो क्या है अपने द्वारा वो बता रहा है। ओके चिल्ड्रेन, जैसे कि चिल्ड्रेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे देखिए कुछ पिक्चर्स बना हुआ है और उसके बारे में पढ़ते हैं।
दीज आर ऑल्सो कंप्यूटर्स. ये सब क्या है चिल्ड्रन? ये सब भी कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन. आई होप ये चैप्टर आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ओके चिल्ड्रन, चलिए पेज टर्न करिए. अब पेज टर्न करेंगे तो आप लोग का ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. आई होप ये चैप्टर आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज पे, देखते हैं आज हम आप लोग को इसकी कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं. ओके चिल्ड्रेन. सो चिल्ड्रेन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को लेसन वन रीड कराया और अंडरस्टैंड कराया, आई होप सारे चिल्ड्रेन को लेसन वन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू नॉट अंडरस्टैंड लेसन फर्स्ट, सो यू आस्क क्वेश्चन इन योर ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप लोग को लेसन वन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या करेंगे, अपने ऑनलाइन क्लासेस में क्वेश्चन को पूछेंगे. ओके चिल्ड्रेन, चलिए लेसन वन की एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन इन योर कॉपी फर्स्ट क्लास वर्क, देन डेट 8/4/2021, लेसन वन कंप्यूटर आ वंडर मशीन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये मेंशन करना है अपने कंप्यूटर कॉपी में. ओके चिल्ड्रेन, फिर आपको क्या मेंशन करना है, हेडिंग मेंशन करना है, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ. राइट ट्रू, ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत. ट्रू का शॉर्ट फॉर्म होता है टी, फॉल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ. तो यहाँ पे कंप्यूटर्स के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है. समझ में आया, जहाँ पे सही होगा वहाँ पे ट्रू राइट करना है, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे फॉल्स राइट करना है. आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. चलिए इस तरीके से आप लोग को अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन वे में पहले क्वेश्चन को राइट करना है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिख के दिखाया है ना, उसी तरीके से आप लोग को भी एकदम अच्छे से कॉपी में सारे क्वेश्चंस को राइट करना है, फिर सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे क्या बोल रहा है चिल्ड्रेन, यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता. जैसे कि मैंने अभी आप लोग को लेसन वन में बताया था ना कि कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बिजली से चलता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है चिल्ड्रेन, सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है? वेरी गुड, राइट है. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ट्रू फिल करेंगे. तो ट्रू की स्पेलिंग क्या होती है, टी आर यू ई ट्रू, टी आर यू ई ट्रू. ट्रू की स्पेलिंग भी आप लोग को लर्न करनी है. सेकेंड क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, इट गेट्स वेरी टायर्ड. कंप्यूटर टायर्ड हो जाता है क्या, अगर हम लोग कंप्यूटर में ज्यादा काम करते हैं तो क्या कंप्यूटर थक जाता है? नहीं ना, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, फॉल्स फिल करेंगे. फॉल्स की स्पेलिंग है एफ ए एल एस ई फॉल्स. फॉल्स की स्पेलिंग भी आप लोग को लर्न करना है. थर्ड क्वेश्चन है, इट वर्क्स वेरी स्लो. यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बहुत धीमे काम करता है. नहीं ना, कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है. तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फॉल्स राइट करेंगे. एफ ए एल एस ई फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन है, इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? वेरी गुड, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है. तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ट्रू फिल करेंगे, टी आर यू ई ट्रू. लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, इट इज अ मशीन. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है कि कुछ और है? वेरी गुड, कंप्यूटर एक मशीन है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एकदम राइट है. तो यहाँ पे ट्रू फिल करेंगे. ट्रू की स्पेलिंग है टी आर यू ई ट्रू. आई होप सारे चिल्ड्रेन को ये एक्सरसाइज एकदम अच्छे से समझ में आया. चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं. सो चिल्ड्रेन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देंगे, आज हम आप लोग को ये होमवर्क देंगे. तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना 8/4/2021,
हेडिंग मेंशन करना है ड्रॉ द नीट एंड क्लीन पिक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड मेंशन देयर नेम आल्सो। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपने कॉपी में एक एकदम सुंदर सा कंप्यूटर बनाना है, ओके चिल्ड्रन, और उसके नेम्स को मेंशन करना है। समझ में आया? और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग को क्या करना है, अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी, जैसे कि आप लोग के स्कूल में अटेंडेंस लगती थी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।